My name is Muhammad Furqan. I read in class 9 at Farabi school system. आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तानी के हवाले से और वो है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। आज हम लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के हमसाए मुल्कों के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ पर वाकई है, उसका जो बॉर्डर वो कब मार्क हुआ था और उसकी लेंथ कितनी है। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान कहाँ पर वाकई है। पाकिस्तान वाकई है साउथ एशिया में। अगर हम पाकिस्तान की एरिया की बात करें तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो 79,696 स्क्वायर किलोमीटर है। इस टोटल एरिया में हमारे पास आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। अगर एरिया वाइज बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां लार्जेस्ट मुल्क है। अगर हम पाकिस्तान के लार्जेस्ट और लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट पॉइंट है वो है K2 और लोवेस्ट पॉइंट जो है वो अरबियन सी है और अरबियन सी जो है वो पाकिस्तान के साउथ साइड पे वाक़ है। और अगर हम पाकिस्तान के लार्जेस्ट पॉइंट की बात करें तो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट रिवर जो है वो है रिवर इंदस है। अगर हम पाकिस्तान के कोस्टल लाइन की बात करें तो पाकिस्तान का जो कोस्टल लाइन है वो सूबह सिंध और सूबह बलोचिस्तान को टच करती है और कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो 1,046 किलोमीटर है। हम बात कर रहे हैं कोस्टल लाइन की। कोस्टल लाइन कहते किसे है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा कि कोस्टल लाइन कहते किसे है। समंदर के साथ जो लेंथ होती है उसको कहते हैं कोस्टल लाइन। इसके अलावा हम आज पाकिस्तान के हमसाए मुल्कों के बारे में बात करेंगे कि वहाँ कहाँ पर वाकई है और उसकी लंग कितनी, उसका जो बॉर्डर वो कब मार्क हुआ था। तो पाकिस्तान के जो हमसाए मुल्क है वो 4 कंट्रीज है। पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन कंट्रीज है वो 4 है। इसमें हमारे पास आते हैं ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया। तो सबसे पहले हम चाइना के बारे में बात करें कि चाइना कहाँ पर वाकई है और उसका जो बॉर्डर वो कब मार्क हुआ था। चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे वाके है, नॉर्थ ईस्ट पे वाके है और उसकी जो बॉर्डर है उसका जो बॉर्डर है वो 3 मार्च 1963 को मार्क हुई थी और इसको साइनो पाक बॉर्डर भी कहते हैं और उसका जो बॉर्डर की लेंथ जो है वो 585 किलोमीटर है। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट पे वाके है और इसका जो बॉर्डर है 1893 को मार्क हुई थी और इसका जो बॉर्डर की जो लेंथ है वो 2250 किलोमीटर और पाक अफगान जो बॉर्डर है उसको दुरान लाइन भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वो 832 किलोमीटर है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट पे वाके है और इसकी लेंथ जो है वो 1610 किलोमीटर है। और ये किसने मार की थी, ये रेड क्लिफ ने मार की थी और कब मार की थी, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। इसके अलावा हम पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस है, पाकिस्तान जो वाकई है एशिया में और एशिया जो है वो एक इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सेंटर भी है और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर चाइना रहता है और रशिया। इसके अलावा हम पाकिस्तान को ट्रेड रूट भी कहते हैं। ये इसलिए हम पाकिस्तान को ट्रेड रूट कहते हैं, जब चाइना जब मिडल ईस्ट के साथ जब तिजारत करता है तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है, जब इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ तिजारत करता है तो उसको पाकिस्तान की जरूरत है और जब अफगानिस्तान उसको समंदर की जरूरत है और उसके पास समंदर नहीं है उसको भी पाकिस्तान की जरूरत है। वस्सलाम।